अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई मिस्टर लवबर्ड वाईटी और आप देख रहे हैं मिस्टर लवबर्ड वाईटी यूट्यूब फेसबुक एंड टिकटॉक अकाउंट। बताना ये था कि आज मेरे चूज़े के साथ फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी बीट वगैरह जब ये कर रहा था तो यहाँ पे चिपकना स्टार्ट हो गई थी, जो कि अक्सर छोटे चूज़ों के अंदर हो जाता है। देन इसको फीवर हो गया, जो कि मुझे नहीं रियलाइज़ हुआ क्योंकि मौसम एकदम फिर से बारिशों से एकदम गर्म मौसम हुआ, तो जिसकी वजह से इसको फीवर हो गया। एंड देन अब इसकी हालत इससे काफ़ी वो थी कि ये बिल्कुल नहीं हिल पा रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देन मैंने इसको पहले तो हीट दी, हीट देने के बाद गर्म पानी से, नीम गर्म पानी से इसकी बीट साफ़ की और ये जगह पूरी क्लियर करने के बाद दोबारा हेयर ड्रायर से इसको सुखाया गर्म हीट देकर। देन मैंने इसको अब कुछ ना कुछ करना था, फीवर था बेचारे को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गया आम मेडिकल स्टोर पे और वहाँ से ले आया विडोलाइन ड्रॉप्स। ये छोटे बच्चों को दिया जाता है और इन ड्रॉप का ये फ़ायदा है कि इसके अंदर विटामिन ए डी B1 B2 और सी एंड मल्टी न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी, यानी कि ये जो ड्रॉप्स हैं ये जो हैं ये ताकत के लिए होते हैं। तो मैंने फ़िलहाल इसको एक ड्रॉप इसके मुंह में ड्रॉपर के थ्रू डाल दिया। एंड देन अब मैंने देखा है घंटे के बाद तो ही इज़ फीलिंग वेल नाउ, बेटर है अल्हम्दुलिल्लाह। सो अभी आधे घंटे तक इसको फिर एक और ड्रॉप देंगे तो देन हम मिलेंगे इंशाल्लाह इसको, देन आपको मैं बताऊंगा इसकी कंडीशन के क्या है क्या नहीं है। और सून इंशाल्लाह वी विल मीट और इंशाल्लाह ये बिल्कुल सेहतयाब होगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बिल्कुल ठीक हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अपने चूज़ों को जब वो 20 डेज़ के हो जाएं या 10 डेज से ऊपर तो ये एक एक ड्रॉप दे देना चाहिए, क्योंकि इसके मल्टी विटामिन हैं, ताकत के लिए है, तो इंशाल्लाह आपका चूज़ा बीमार नहीं होगा। इस बार मैं लेट हो गया तो इस वजह से ये ऐसा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।